डोईवाला में गंदगी का अंबार लगा है, पर नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इससे नाराज क्षेत्रवासी धरने पर बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। डोईवाला में गंदगी बढ़ते जा रही है, कूड़े का अंबार लगा है, पर नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धरने पर बैठे क्षेत्रवासियों का कहना है कि बढ़ती गंदगी से बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ रहा है। कूड़े कचरे की दुर्गंध घरों तक पहुंच रही है, जिस कारण लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। गौ माता भी कूड़ा खाकर बीमार पड़ जाती है, पर नगर पालिका इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए पूरे शहर का कूड़ा ग्राउंड में ही डाल देती है। ये ना कुछ है, और छोटे छोटे बच्चे, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को खुजली हो रही, दाने हो रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है। हम बस इतना ही चाहते कि यहाँ से कूड़ा या तो हटाया जाए, या तो ये बाउंड्री के अंदर हो, या तो इसको यहाँ से हटाया जाए। कूड़ा घर बना, वैसे तो हमारा जीवन वैसे वो था, नगर पालिका बनने से पहले कूड़ा घर बना था, परंतु अब जितने ज्यादा नगर पालिका के वाहन चलने से पहले उनको फायदा होता है, जिस चीज में उनको फायदा होता है वो गाड़ी वो अंदर इसमें ट्रेचिंग ग्राउंड के अंदर डलवा रहे हैं, बाकी वो रोड पर डलवा रहे हैं। ये गायें जो है इनको खा रही है, प्लास्टिक वगैरह जो है, प्लास्टिक कांटवा जो भी इसमें आ रहा है वो सब लोग अपने घरों से कूड़ा यहाँ डाल रहे हैं, गाड़ी में डालते हैं वो यहाँ डल रहा है, और कई मेरे ख्याल से यहाँ पे गाँव में मर भी चुके हैं। और जब ऐसा कोई मामला होता है तो तुरंत नगर पालिका की जेसीबी आकर उनको दबा के चली जाती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।